जिला बांडीपुरा में जो बर्फबारी को लेकर हमारा एक कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप किया गया है और सब डिवीजन लेवल पे सुबल में गुरेज में भी है, वो हम 24/7 सारी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, भले ही वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, पावर सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो, वो सारे मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं, आज सुबह से ही हमने स्नो क्लियरेंस का काम सुबह 6 बजे से ही मशीनें डिप्लॉयड थी, क्योंकि जैसा प्रेडिक्शन थी उसके साथ साथ, और अभी ऑनगोइंग स्नो में भी जो हमारा टाउन है, प्रायोरिटी 1 रोड्स हैं, बांडीपुरा सोपोर रोड है, बांडीपुरा सुंबल टू श्रीनगर रोड है, उसमें स्नो क्लियरेंस किया, ऑनगोइंग स्नोफॉल में भी उसके 2 या 3 राउंड लगाए, और अब क्योंकि थोड़ा सा स्नोफॉल रुका है तो अब ये वापस से एक और राउंड लगाया जाएगा और इसको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ साथ गुरेज में भी स्नो क्लियरेंस ऑनगोइंग है और वहाँ से भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो स्नो क्लियर कर रहे हैं, इंटरनल रोड्स को क्लियर किया गया है। हमारी भी जो बांडीपुरा और सुंबल हाजन की जो इंटरनल रोड्स हैं वो क्लियर है। गली कूचों के लिए, म्यूनसिपल एरियाज़ के लिए जो म्यूनसिपल काउंसिल्स या कमिटीज़ हैं उनकी लोग, उनका जो मैन पावर है वो काफ़ी मेहनत करके जो गली कूचे हैं उनको, कुछ जहाँ पे मशीनें नहीं जा सकती उनको मैनुअली भी क्लियर कराया जा रहा है। पावर का अभी हम पुतुशाही ग्रिड में भी आए हैं, यहाँ से भी हमने फीडबैक लिया और टाउन में भी लोगों से भी बात की, जो पावर का सिनेरियो है वो काफ़ी बेहतर है, हमें कहीं कहीं पे कभी ओवरलोडिंग की वजह से थोड़ा बहुत शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं, लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, और कहीं पे भी हमें जो पुतुशाही ग्रिड से इट इज़ अंडरलोडेड, ओवरलोडेड नहीं है, तो पावर का कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम्स पूरी तरह से चल रहे हैं। सुंबल का जो पावर सिनेरियो है वहाँ पे अभी हमने रिव्यू लिया और वहाँ पे कुछ ओवरलोडिंग की वजह से बीच बीच में जो कट्स हैं, बट अदरवाइज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, कोई मेजर डैमेजेस इस तरह से नहीं है। जो भी ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं उनका विद इन टाउन एरिया में 12 घंटे के अंदर अंदर वो रिप्लेस किए जाते हैं और आउटसाइड टाउन एरिया 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लेस किए जाते हैं, तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। और हमारा जो कंट्रोल रूम है, पूरी टीम है, वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। और हेल्थ का भी हमने अभी हॉस्पिटल में गए हमने और हेल्थ का जायज़ा लिया, जो वहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, डॉक्टर्स की प्रेजेंस है तो डॉक्टर्स वहीं पे प्रेजेंट हैं और जो मरीज़ वगैरह आ रहे हैं उनका इलाज अब ठीक तरह से चल रहा है। हीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, बट हमने और ऑगमेंट करने के लिए हम अपनी तरफ से भी वहाँ पे कुछ हीटिंग सिस्टम्स दे रहे हैं, कुछ बुखारियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आज शाम तक या कल सुबह तक उनको मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम लोग जो स्नो क्लियरेंस में जो मैनुअली क्लियर करते हैं उनको भी हम प्रोटेक्टिव गेयर ये देने जा रहे हैं। और हॉस्पिटल के अंदर हमने जहाँ जहाँ पे भी जो भी हमें इश्यूज नज़र आए, स्पेशली आज कोल्ड वेदर को लेके और जो हमारे पेशेंट्स जो वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में, उन सबको भी सुधारा जाएगा। और अदरवाइज़ हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का, भले वो सुंबल है, हाजिन है, बांडीपुरा है या गुरेज है, पूरी तरह से इंटैक्ट है और पूरी तरह से विंटर्स के लिए, स्नो के लिए प्रिपेयर रहा था, तो उसी तरह से पेशेंट का